फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने 10 दिन की मलाई से लगभग आधा किलो घी निकाल के तैयार कर लिया है। और आप भी इसी तरीके से घी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर लिया है, वो भी सीधे मलाई से। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करने जा रही हूँ कि कई बार क्या होता है, मलाई से घी नहीं निकल पाता ज़्यादा गर्मी या सर्दी के कारण, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो और बहुत आसानी से सीधे मलाई से घी निकाल सकते हो। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए हम जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे मैंने 10 दिन की मलाई से घी बना के तैयार किया, वो भी सीधे मलाई से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 10 दिन की मलाई कढ़ाई में ले ली है, मैंने इसे फ्रीजर में स्टोर किया था तो इसलिए ये देखिए थोड़ा थोड़ा तो मेल्ट हो गया, थोड़ा सा बीच में इस तरीके से हार्ड अभी फ्रोजन मलाई रह गई है तो इसको भी हम मेल्ट होने देंगे। वैसे तो मलाई से मक्खन झटपट से निकल के आ जाता है, मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो शेयर की हुई है, लेकिन किसी कारण क्या होता है, मौसम की वजह से ज़्यादा ठंडी या गर्मी की वजह से मलाई से मक्खन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस समय आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से सीधे मलाई से घी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मलाई निकाल के ले लिए कढ़ाई में, अब हम इसे थोड़ा मेल्ट होने देंगे, ये जो फ्रोज़न है इसे पिघलने देंगे, फिर हम गैस की तरफ चलेंगे। बीच में जो फ्रोजन मलाई थी वो भी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, तो चलिए अब हम इसे गैस पे रख देंगे, सीधे मलाई से मैं घी निकालूंगी। आज आपके साथ मैं एक खास ट्रिक शेयर करूंगी जिसके कारण सीधे मलाई से घी बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा, तो चलिए ध्यान से देखिए वीडियो। तो अब हम गैस को ऑन कर देंगे और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। ये देखिए मलाई को मैंने गैस पे रख दिया है और मलाई अच्छे से गर्म हो रही है। ये मलाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और मलाई में उबाल आ गया, अच्छे से ये गर्म हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है मीठा सोडा। यहाँ मैं डाल दूंगी 1 चम्मच 1 टीस्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा को अच्छे से मिक्स करेंगे और आगे अभी मैं एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज करूंगी, वो आगे हम देखेंगे। तो चलिए अच्छे से अब मीठा सोडा डालने के बाद इसे पका लेते हैं, 2 से 3 मिनट अच्छे से उबलने देते हैं। ध्यान से वीडियो पूरा देखें ताकि कभी भी ज़्यादा सर्दी या गर्मी के कारण अगर बहुत मेहनत के बाद भी मलाई से घी नहीं निकल पा रहा तो इस तरीके से उसे गैस पे रख दें और 1 चम्मच मीठा सोडा डाल दें, और साथ ही एक और चीज़ ऐड करूँगी मैं, वो भी डाल दें और बहुत आसानी से आपका घी निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब इसे 4 से 5 मिनट हम पकने देते हैं। ये देखिए मीठा सोडा डालने की वजह से इसमें झाग भी खूब बनेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, इसे छोड़ना भी नहीं है तो मलाई जो है वो कढ़ाई से बाहर आ जाएगी। तो इसे लगातार या थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से हम चलाते रहेंगे बाद। तो ये देखिए मीठा सोडा डालने के बाद लगभग मैंने मलाई को 4 से 5 मिनट पका लिया है और ये इस तरीके का हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे, तो मैं यहाँ डालूंगी अब दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है गेहूं का आटा। मैं यहाँ 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल रही हूँ। गेहूं के आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ। गेहूं का आटा डालने के बाद आप इस घी को व्रत में यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसमें सिंघाड़े का आटा डाल सकते हैं। गेहूं के आटे की जगह आप सिंघाड़े का आटा भी यूज कर सकते हैं। सिंघाड़े का आटा डालने से घी जो है व्रत में यूज करने लायक हो जाएगी। तो चलिए अब गेहूं का आटा डालने के बाद हम अच्छे से इसे लगभग 5 मिनट और पका लेंगे। मैं दिखाऊंगी अभी आपको कि इसका टेक्सचर कैसा हो जाएगा। तो चलिए अच्छे से गेहूं के आटे को मिला देते हैं। गेहूं का आटा डालने से घी हमारा ज़्यादा निकलेगा और जल्दी निकल आएगा। तो चलिए गेहूं के आटे को अच्छे से मिक्स कर देते हैं मलाई के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स आटा डालने के बाद भी लगभग 4 से 5 मिनट मैंने इसे पका लिया है और ये देखिए टेक्सचर इसका किस तरीके का हो गया है। मैं थोड़ी थोड़ी देर में आपको टेक्सचर दिखाती जा रही हूँ कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये देखिए कितना थिक हो गया है। तो चलिए इसी तरीके से हम पकाते रहेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट मैंने पका लिया आटा डालने के बाद, अभी और पकाएंगे हम इसे। चलिए मिलते हैं लगभग 5 मिनट बाद। लगभग 5 मिनट मैंने और इसे पका लिया है और ये इस तरीके का टेक्सचर आ गया है। धीरे धीरे इसमें से घी रिलीज होने लग गया है, ये देखिए घी छोड़ने लग गया है ये। तो चलिए 5 मिनट और पकाते हैं इसे। ये देखिए धीरे धीरे घी छोड़ने लग गया है, तो जब तक ये पूरा अच्छे से घी ना छोड़ दे तब तक हम पकाएंगे इसको। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद। देखिए इसके बाद जैसे जैसे अब ये पक रहा है, ये आटा या मलाई का जो मिक्सचर है ये घी को रिलीज कर रहा है,
ये देखिए 2 मिनट और हुए मुझे पकाते हुए इसे, और ये घी को छोड़ने लग गया है। तो चलिए, तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे जैसे ये आटा और मलाई मेल्ट हो रहा है, घी को रिलीज कर रहा है, इसे पकाते हुए 2 मिनट और हो गए मुझे। तो इसी तरीके से मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में दिखाती जाऊंगी, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि कैसा टेक्सचर आएगा, किस तरीके से घी हमारा बन के निकलेगा। ये देखिए जैसे जैसे ये आटा पक रहा है, घी को छोड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट बाद। ये घी अब तैयार होने वाला है, तो इसमें हम हल्का सा, तो ये देखिए घी तैयार होने वाला है, तो इसमें हम पानी के थोड़े छींटे लगा देंगे। पानी के छींटे लगाने से घी जो है दानेदार बनेगी, और इसी तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेल्ट हो रहा है, आटा और मलाई घी हमारा निकल के आ रहा है। ये देखिए घी की क्वांटिटी अब ज़्यादा हो रही है, और ये मावा जो है इसकी कम हो रही है। जैसे जैसे ये मेल्ट होगा और अभी हमारा घी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे घी जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो अब हम थोड़ा सा और पका लेंगे इसको, लगभग 1 से 2 मिनट और ये बनने वाला है। ये देखिए दानेदार टेक्सचर में हो गया आटा हमारा। तो चलिए और पका लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से मलाई से हमारा घी बन के तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, इसमें भी घी हमारा अभी थोड़ी देर पकता रहेगा, और ठंडा होने के बाद हम इसे बोतल में भर लेंगे। घी हमारा ठंडा हो गया है, तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं और बोतल में डाल लेते हैं। तो मैं ले लूँगी एक बोतल, उसके ऊपर रख दूँगी स्ट्रेनर, और घी को हम इस तरीके से स्ट्रेन करके बोतल में भर लेंगे। ये देखिए सीधे हमने मलाई से घी निकाल लिया है, और 10 दिन की मलाई से लगभग 1/2 किलो घी निकल के तैयार हो गया। तो जब भी आपके पास मलाई से मक्खन बनाने का टाइम ना हो और आपको झटपट से बनाना हो, तो इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो। या फिर ज़्यादा गर्मी या ठंड के कारण आप मलाई से घी नहीं बना पा रहे, तो भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए छान लेती हूँ मैं सारा। तो उम्मीद करती हूँ आज का घी निकालने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी यूनिक यूनिक तरीके में आपके लिए लेके आती रहूँ। तो मिलते हैं ऐसे ईजी और यूनिक रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।